मोहम्मद आमिर को लेकर शाहीन अफरीदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप 2024 में मोहम्मद आमिर टीम पाकिस्तान से मचाएंगे अपनी गेंदबाजी से कोहराम। मोहम्मद आमिर की टीम पाकिस्तान में वापसी को लेकर शाहीन ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आखिरकार कब करने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में वापसी और कैसे मचाएंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 में गदर, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी मोहम्मद आमिर को एक खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान टीम के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रहे मोहम्मद आमिर दुबई में खेली जा रही इंटरनेशनल लीग में काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान टीम के लिए मोहम्मद आमिर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, बावजूद इसके उन्होंने क्रिकेट के मैदान को अचानक अलविदा कह दिया और क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी को लेकर आस लगाए बैठे हैं। मोहम्मद आमिर हाल के दिनों में काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और अब मोहम्मद आमिर हमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान टीम से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान T20 टीम की कप्तानी शाहीन अफरीदी के पास है। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर दोनों ही PSL में डेजर्ट वाइपर की ओर से खेलते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद आमिर ने अभी तक खेली गई दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक खेले गए कुल 4 मुकाबलों में 5 विकेट चटकाए हैं। खास बात ये रही है कि इस दौरान उन्होंने कम रन खर्च किए हैं और टीम के लिए अहम योगदान दिया है और इसी साल T20 विश्व कप भी खेला जाना है। ऐसे में मोहम्मद आमिर हमें T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मोहम्मद आमिर की गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं रहता है। ऐसे में पाकिस्तान टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के लिए मोहम्मद आमिर को शामिल कर सकती है, जिससे मोहम्मद आमिर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की जोड़ी इस बार पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिला सके। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या मोहम्मद आमिर की वापसी पाकिस्तान टीम में होनी चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।